हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियर जॉब्स में। तो अगर आप फ्रेशर हो, सिविल इंजीनियर्स हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो IGCAR की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। काफी अच्छी और काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट है इसकी। मैं अगर बात करूँ रिक्रूटमेंट की, तो फ्रेशर इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल रखे हुए हैं इन्होंने। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14th of May तक है। 14th of May से पहले पहले आपको इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स या बीटेक स्टूडेंट्स, एमटेक स्टूडेंट्स सारे इसमें एलिजिबल है। डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एमटेक बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो वैसे तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारी एलिजिबल है, बट मैं इसमें वीडियो में मैं सिर्फ सिविल की बात करूंगी। तो सिविल इंजीनियर्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें मैं फुल डिटेलिंग ही मैं आपको लास्ट तक मैं आप सब कुछ क्लियर कर दूंगी। फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इन्होंने फ्रेशर्स को वेलकम किया हुआ है। फ्रेशर्स इस रिक्रूटमेंट के एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है, जिसकी मैं अगर आपको बाइफरकेशन पे आ जाऊं, तो टेक्निकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, जिसमें सिविल की टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसीज है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वैकेंसीज है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल और CS के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या बीटेक भी अगर आपने किया हुआ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो रही एक जो पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया, टेक्निकल ऑफिसर के बारे में। दूसरा जो है वो स्टाइफंड्री ट्रेनी की रिक्रूटमेंट निकाली हुई है इन्होंने, जिसमें सिविल की एक वैकेंसी है। स्टाइफंड्री ट्रेनी की जो अगर मैं सैलरी बता दूं, तो वो भी काफी अच्छी है। टेक्निकल ऑफिसर की भी ट्रेनिंग काफी अच्छी है। जो डिप्लोमा वाले हैं वो स्टाइफंड्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिन्होंने डिग्री की हुई है, तो वो टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर एप्लीकेशन फी की बात करूँ, तो आपको ₹300 पे करने पड़ेंगे। और SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने कोई फी नहीं रखी हुई है, उनको फीस एक्सेम्प्ट किया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके मोड की बात करें, तो ये मोड सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपना जो फी है वो पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनका एप्लीकेशन फी जो है वो ऑनलाइन मोड से ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इनका 2 मोड्स में रहेगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू राउंड। और जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर आपको रिक्रूट होना है, तो आपको कुछ स्टेजेस से होकर निकल के जाना पड़ेगा। उनको आप में टैलेंट दिखना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको वहां पे सिलेक्शन मिलेगा। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस रिक्रूटमेंट के लिए डेफिनेटली अप्लाई करो। 2 मोड्स में इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एक तो रिटन टेस्ट, दूसरा अगर उसमें आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू राउंड अगर आप क्लियर कर देते हो, अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है। जो इसमें जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर सैलरी की बात कर दूं मैं, तो टेक्निकल ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो सैलरी इन्होंने रखी हुई है वो 56,100 रुपीज से स्टार्ट है, प्लस अलाउंसेस जितने भी आपको होम अलाउंस है और भी नंबर ऑफ हेल्थ अलाउंसेस है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स और भी ज्यादा मिलेंगे, बट आपकी जो सैलरी है वो 56,100 रुपीज से ऊपर रहेगी। अगर मैं स्टाइफंड्री ट्रेनिंग की बात करूँ, तो क्या रहेगा कि ट्रेनिंग के 1 साल के अंदर आप 1 साल में आपको 16,000 रुपीज ये पे करेंगे। सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आपकी जो सैलरी बढ़ के 18,000 हो जाएगी, और जब आपकी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो परमानेंट सैलरी रहेगी वो रहेगी 44,900 रुपीज, जो कि काफी अच्छी सैलरी अमाउंट है। अगर आप तो फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, इसी रिक्रूटमेंट के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया हुआ है, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो खुलेगी, वहां पे अप्लाई हियर का लिंक क्लिक कर देना है। कोई भी अगर आप रिक्रूटमेंट को फिल कर रहे हो, तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर रीड करो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही साथ उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करो। अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको इनकी दिखा देती हूँ। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च वालों की वेबसाइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। अदरवाइज इनकी जो वेबसाइट पे इनका सारी डिटेलिंग तो मेंशन की ही हुई है। रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते आपकी जो वेब पेज खुलेगा, उस पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपका जो फी पेमेंट का विंडो आएगा, वहां पे फी पेमेंट करने के बाद अगर आप एग्जेम्प्टेड हो, तो आपका वहीं से सबमिट कर देना है। अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं हो फी से, आपको फी पे करनी है, तो फिर आपको फी पेमेंट करने के बाद ही जो आपका फाइनल सबमिशन होगा। इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी।
तो ये थी हमारी आज की इस रिक्रूटमेंट के बारे में। बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट जॉब के भी अपडेट्स मिलते रहे, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करा करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी और से और जॉब्स लेते आए, आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करें आपको। थैंक यू एवरीवन।